लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज पुल पर ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी युवकों की पिटाई करने के मामले में एसएसपी लखनऊ कालानिधि नेथानी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों ने कश्मीरी युवक को गाली गलौज कर पीटा है। इस प्रकरण में एक आम नागरिक ने पुलिस की मदद की है। उसके द्वारा बनाए गए वीडियो से एक युवक चिन्हित हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के बयान पर मुकदमे में बढ़ोतरी की गई है, धारा 307 भी लगाई गई है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी विश्व हिंदू दल के लोग हैं, अंबुश निगम इसका मेन है। पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई है। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी पर एक दर्जन से अधिक हत्या, चोरी, लूट के मुकदमे दर्ज है। आरोपी कई बार जेल भी जा चुका है। एसएसपी ने कहा कि अगर कोई धर्म के आधार पर अराजकता करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अफजल, आप इनसे भी अगर बात करना चाहें तो आप बात कर लें। अगर ये संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से तो ठीक है, अगर इनको कोई भी आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। इसमें ये लोग शामिल थे वो कुछ भगवाधारी कहे जा रहे हैं, वो किस ट्रस्ट के थे या किस थे? देखिए, वो किसी ट्रस्ट तथा कथित ट्रस्ट से हो वो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं है। कानून में कल्पेबिलिटी इंडिविजुअल की होती है। किसी भी आइडियोलॉजी से प्रेरित हो कानून के ऊपर कोई नहीं है। और अगर कोई किसी प्रकार का चोला धारण करके कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर कानून पूरी शक्ति के साथ ऐसे तत्वों से डील करने के लिए सक्षम है। और इसी केस में आपने देखा है कि कानून ने अपना काम किया है और आगे भी कानून अपना काम करेगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी प्रकार से प्रदेश में न हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है।